हेलो एंड वेलकम अगेन गाइज। आज की वीडियो टॉपिक होने वाला है ये वाला पूरा सेक्शन, इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल एंड मैजिक इरेजर टूल। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल एंड हिस्ट्री ब्रश टूल। तो आज की वीडियो में एक ऐसा ऑप्शन है जो कि हिस्ट्री ब्रश टूल से मैच करता है, क्योंकि इस सेक्शन के अंदर जो ये ऑप्शन है इरेज टू हिस्ट्री, ये वही काम करता है जो काम हिस्ट्री ब्रश टूल करता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पिछली वाली वीडियो जरूर देखिए हिस्ट्री ब्रश टूल की, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इरेज टू हिस्ट्री वाला काम क्या है। ठीक है, तो चलिए लेट्स जंप इनटू इट। ओके, जैसे मेरे पास में ये एक इमेज है और मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे इरेजर टूल। इरेजर टूल का मतलब क्या होता है? इरेजर रबर, कोई भी चीज होती है उसको मिटाना है तो मिटाने के लिए हम इरेजर टूल का इस्तेमाल करते हैं। इरेजर टूल के तीन वेरिएशन होते हैं, इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर एंड मैजिक इरेजर। ये तीनों के काम जो है अलग अलग होते हैं, तीनों के फंक्शंस अलग अलग होते हैं। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं इरेजर टूल को। इरेजर टूल के अंदर क्या चीज होती है? इरेजर टूल सिंपली वो टूल है जो कि किसी भी चीज को मिटाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जिसके ऊपर भी पेंट किया जाएगा वही चीज मिट जाएगी। तो अभी मेरे पास ये इमेज है, ये इमेज लॉक्ड है। आपको जैसे इस लेयर पैनल के अंदर नजर आ रहा है कि ये लेयर लॉक्ड है और ये बैकग्राउंड लेयर है, और जो चीज लॉक्ड होती है उसको हम इरेज नहीं कर सकते, उसके ऊपर कोई छिड़खानी नहीं हो पाएगी। तो अब मैं एक चीज करता हूं, मैंने इरेजर टूल लेके रखा हुआ है एंड देन मैं इसके ऊपर जब इरेज करता हूं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इरेज ना होकर के क्या आ रहा है, रेड कलर आ रहा है। रेड कलर कहाँ पे लेके रखा हुआ मैंने? यहाँ पे। ये बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड है। अभी रेड कलर क्यों आ रहा है इसके अंदर? ये रेड कलर इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये लेयर है लॉक्ड, और जहां पे हमने इरेजर टूल को चलाया है वहां पे वो पार्ट इरेज हो गया है, और उसकी जगह पे क्या आ गया है? उसकी जगह पे बैकग्राउंड कलर फिल हो गया है। तो जिस पार्ट को हम इरेज करेंगे वो इरेज होता रहेगा, साथ साथ उसकी जगह पे बैकग्राउंड कलर फिल होता रहेगा, क्योंकि कोई भी लॉक्ड बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता, उसके साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते, उसको ट्रांसपेरेंट नहीं बना सकते। इसलिए ये क्या करता है, उसे मिटाने के बाद उसके अंदर बैकग्राउंड कलर भी फिल कर देता है ताकि वो ट्रांसपेरेंट ना लगे। ओके, तो अब मैं चलता हूं बैक। अब बैक जाने के बाद में अगर मैं इसे ट्रांसपेरेंट करना चाहता हूं तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना होगा? उस कंडीशन में मुझे इसे नॉर्मल लेयर बनाना पड़ेगा। नॉर्मल लेयर बनाने के लिए आपको पता क्या करना होता है? डबल क्लिक कीजिए एंड देन ओके प्रेस कीजिए। आपकी जो लेयर है ये लॉक्ड नहीं रहेगी, अनलॉक हो जाएगी, ये सिंपल लेयर की तरह एक्ट करेगी। और अब हम इरेजर टूल से जब इस पे इरेज करेंगे तो आप देख रहे हैं कि वो पार्ट इरेज हो रहा है और उसकी जगह ट्रांसपेरेंट हो रहा है। और जब ये लेयर लॉक्ड थी तो क्या हो रहा था? इरेजर टूल उसको इरेज भी कर रहा था, यानी ट्रांसपेरेंट भी बना रहा था, और जो एरिया ट्रांसपेरेंट हो रहा था उसकी जगह बैकग्राउंड कलर को फिल कर रहा था। ठीक है गाइस, तो आपको कोई भी चीज इरेज करनी होती है, किसी भी इमेज के अंदर कुछ भी पार्ट को इरेज करना होता है, तो सिंपली आप उस लेयर को एक नॉर्मल लेयर बनाइए। नॉर्मल लेयर बनाने के बाद में आप सिंपली ब्रश से उस पार्ट को इरेज कर सकते हैं। इस तरीके से अपने ब्रश को आप किसी भी हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, या फिर आपको ब्रश के जो मतलब शेप है उसको अलग करना है तो यहाँ पे आप ब्रश को भी पिक कर सकते हैं। कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने ये वाला ब्रश चूज किया, मैंने साइज थोड़ा इंक्रीज किया। इंक्रीज करने के बाद जब मैं इसको वापस वो करूंगा, पेंट करूंगा, तो इसी शेप में ब्रश यानी ये जो इरेजर टूल है ये काम करेगा, उसी शेप में ये इरेज भी करेगा। तो अब आपको मैं एक चीज और दिखाता हूं। यहाँ पे जो ऑप्शंस है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है मोड। मोड का नजर क्या है? मोड में तीन चीजें दी गई हैं, ब्रश, पेंसिल एंड ब्लॉक। ब्रश में जब हम सिलेक्ट करेंगे तो हमको यहाँ पे ब्रश की शेप्स दिखाई देंगी और ब्रश के बारे में जो भी चेंजेस होगी, जो भी सेटिंग्स होगी वो दिखाई देंगी। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेंसिल, तो पेंसिल के जो सेटिंग्स एंड जो प्रीसेट्स होंगे, जो ब्रश के ऑप्शंस होंगे वो हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ ब्लॉक, तो मेरा ब्रश का जो साइज है, जो शेप है वो ब्लॉक आ जाएगा इस तरीके से, बिल्कुल ब्लॉकी। ब्लॉकी यानी कि एक बिल्कुल स्क्वेयर की तरह। तो ये ब्रश के तीन मोड है, और ये है एक ओपेसिटी के लिए, यानी जो आप ब्रश से पेंट करते हैं वो कितना ट्रांसपेरेंट हो या कितना ट्रांसपेरेंट ना हो वो ओपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं ओपेसिटी को कम कर देता हूँ तो उतने ही पार्ट को ओपेसिटी को इरेज करेगा, बाकी वाले पार्ट को छोड़ देगा इस तरीके से। ये है फ्लो का ऑप्शन। फ्लो का ऑप्शन कब काम करता है? ब्रश के अंदर से जब हम पेंट करते हैं तो कितना कलर वो ब्रश छोड़े तो वो फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है। ओके गाइज, तो ये दोनों ऑप्शन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, आप इनके साथ ट्राई भी कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा। अब बारी आती है इरेज टू हिस्ट्री ऑप्शन की। अभी इरेज टू हिस्ट्री ऑप्शन क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। वापस हम बैक करते हैं एंड देन मैं अगेन क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट वाला अप्लाई करता हूँ इफेक्ट। मैंने इसको ब्लैक एंड व्हाइट किया, ब्लैक एंड व्हाइट करने के बाद मैंने ओके प्रेस किया। आपने मेरी पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि हिस्ट्री ब्रश टूल क्या कर रहा था, सेम वही चीज यही करेगी। सेम वही चीज कैसे करेगी? अगर मैं कर देता हूँ इरेज टू हिस्ट्री,
इरेज टू हिस्ट्री करने के बाद क्या होगा कि जो इसकी ओरिजिनल स्टेट थी यानी जैसी इमेज ये पहले थी, ये अभी इसकी अभी की स्टेट है, लेकिन ओरिजिनल इमेज ये ऐसी थी। अगर मैं यहाँ पे इसको इरेज टू हिस्ट्री कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ से जब इसको मिटाना शुरू करूंगा तो ये इस पूरे पिक्सल्स को मिटाएगा नहीं, ये कहाँ पे चला जाएगा, ये इस इमेज के ऊपर चला जाएगा, ये इस इमेज की हिस्ट्री थी तो ये हिस्ट्री के ऊपर चला जाएगा इस तरीके से ऐसे। तो इस टूल ने अभी क्या किया, इस टूल ने वही काम किया जो हिस्ट्री ब्रश टूल कर रहा था, ठीक है। तो यह इरेजर टूल। अब बात करते हैं हम बैकग्राउंड इरेजर टूल की।